हाय दोस्तों, ऑलराउंडर ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का दोस्तों एक नया ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं आपको बताऊंगा नहीं, तो आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो चलिए फिर, मेरे साथ में मेरा एक तो और भी एक तो यूट्यूबर है, वो भी मेरे साथ में चल रहा है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको बताएंगे नहीं, तो चलिए मेरे साथ में ऐसे वीडियो बने रहिए। फिर वहाँ पहुँच करके आपको मैं अपना वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे में। अभी मैं जहाँ रुका हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, इसको बोला जाता है, जगह का नाम है ठाकुरानी, और यहाँ से लगभग और 10 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ प्यास लग गया मेरे को, तो यहाँ प्यास लगने के कारण हम लोग थोड़ा रुके, तो देखा कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। तो आइए आपको मैं ज़रा घुमा करके थोड़ा दिखा। ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ मेरे सामने में खड़ा हुआ है, इतना बड़ा पहाड़, ये पूरा आयरन से भरा हुआ है, पूरा लोहे वाला पहाड़ है, देख सकते हैं, आपको दिखाई थोड़ा देता होगा। आइए आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ से, ये देखिए पूरा ये खोदा गया है, इसको पूरा आपको जहाँ तक दिखाई देता होगा ये पूरा लोहे से पूरा भरा हुआ है। यहाँ जितना पहाड़ दिखता है, यहाँ केंद्र डिस्ट्रिक्ट का आयरन माइंस है पूरा। तो दोस्तों मैं आ गया, और जहाँ मेरे को आना चाहिए था, मैं आपको बताया था वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था, सरप्राइज रखा था। तो चलिए मैं अपना सरप्राइज तोड़ता हूँ और आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों ओर पूरा बहुत घना जंगल है, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। हम लोग आए थे इस रास्ते पर, देख सकते हैं इधर से बहुत बड़ा घाटी भी है, रास्ता बहुत ख़राब है, खोबड़ खाबड़ रास्ता है, पत्थर से भरा हुआ है। और देख सकते हैं इधर एक तो बोर्ड लगा हुआ है, जय बाबा जटेश्वर मंदिर जाने का। तो मैं फाइनली मंदिर पहुंच गया हूं, और मेरे पीछे में देखिए मेन बोर्ड मारा हुआ है। तो चलिए, और बारिश भी होने वाला है, और बारिश भी धीरे धीरे हो गया, तो मंदिर पहुंच करके आपको मैं वीडियो अपना दिखाता हूं। है मेन बोर्ड जय बाबा जटेश्वर मंदिर का, देखिए क्या मस्त व्यू है, जंगल के बीच में शंकर भगवान का मंदिर है। तो चलिए देरी ना करते हुए, मंदिर भक्त लोगों का कमी नहीं है, तो चलिए मंदिर के पास पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको ये बरगद का पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत बेहतरीन लगा मेरे को ये जगह आकर के, बहुत खुशी महसूस हुआ। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही वाला है, जो भी अगर आना चाहेंगे श्रद्धालु बोलबम पे, यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए किस तरह का है मंदिर, बहुत बेहतरीन है, शंकर भगवान का मंदिर देखिए। आइए, उधर पानी भी गिर रहा है, झरना है, ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है, आपको दिखाई देता होगा, दूर से पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप आना चाहें तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा, वरना आपको वीडियो के अंत में यहाँ का एड्रेस का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों देख सकते हैं मंदिर कितना बेहतरीन जगह पर है, और बहुत अच्छा लग रहा है लोकेशन देखने, पानी भी जैसे मान लीजिए शंकर भगवान का सर पर ही गिर रहा है, शंकर भगवान का महिमा अपरंपार है। आइए कभी बोलबम पे, इस जगह को हर कोई आता है। अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, मंदिर के अंदर जा कर के थोड़ा सा देखते हैं अंदर में पुजारी है या अभी नहीं। देखिए दोस्तों जरा गौर से, चट्टान को चीरता हुआ पानी का धारा बह रहा है, मानो जैसे महादेव के जटाओं से माता गंगा अमृत का वर्षा कर रही हो। अद्भुत मन को मोह लेने वाला दृश्य है, मुझे यहां आकर बहुत खुशी आनंद मिल रहा है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो एक बार यहां जरूर आना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी आप जैसे ठीक समझें। तो देख सकते हैं शंकर मंदिर बहुत खूबसूरत है, इधर हम लोगों का बाबा का भक्त लोगन बैठा हुआ है। तो चलिए मंदिर में थोड़ा घुसते हैं, ये देखिए इधर भक्त लोगन सब बैठा हुआ है, सावन आने वाला है, सावन आने से बहुत भीड़ होता है। ऊपर में भी एक छोटा मंदिर है, पहले शंकर भगवान का दर्शन करके आते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। बहुत बेहतरीन मंदिर है, देख सकते हैं पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, चट्टान से पूरा भरा हुआ है, दूर दूर तक ऊपर में हनुमान जी का मंदिर है। फिलहाल अभी शंकर जी का दर्शन कर लेते हैं।
देखिए पूरा भरा हुआ है यहाँ पे महादेव, पूरा हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत खूबसूरत मंदिर है, देखिए भगवान शिव शंकर का ज्योतिर्लिंग बहुत सारा यहाँ रखा हुआ है। आइए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे को बहुत खुश लग रहा है अंदर घुस के, न जाने कितने जन्मों का पाप यहाँ पर आएंगे तो धुल जाएगा लगता है। जैसा अंदर घुसा मेरे को पूरा शांति टाइप का फील हुआ। देखिए इतना बड़ा चट्टान है, इतना बड़ा बेहतरीन चट्टान है। यहाँ से पानी आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं चल रहा है। अब यूट्यूबर आया है अपना ब्लॉग बनाने के लिए और मैं भी पहुंच गया। ये है नंदी महाराज खड़े हुए हैं और शिवलिंग देखिए, बहुत शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है, बहुत ज्योतिर्लिंग सब तरफ। आइए आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज्योतिर्लिंग कैसा है देखिए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आइए जरूर एक बार आइए, सावन आने वाला है इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सावन से पहले आपको ये मंदिर का दर्शन करा दूं, कुछ मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। यहाँ पर देखिए शंकर भगवान का बहुत भयानक त्रिशूल खड़ा हुआ है, कोई भी दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर शेषनाग जी खड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिए। अभी पहाड़ के ऊपर चलते हैं, हनुमान जी का थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। आइए मेरे पीछे में आइए, इस पहाड़ का रास्ता से ऊपर जाने का रास्ता है तो आइए मेरे साथ में पीछे पीछे आइए, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। शंकर भगवान जी का भी दर्शन हो गया, साथ में हनुमान जी का दर्शन हो गया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये देख सकते हैं हम लोगों का नंदी महाराज सोए हुए हैं, कितने सालों से यहीं पर ही सोए हैं देख सकते हैं। यहाँ पर अपना माथा टेक के हर विश्वास से जिसको जो मांगना है मिलेगा। आ तो जरा, मैंने मंदिर घूम लिया और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सावन महीना भी आने वाला है तो आइए आप कभी भी
ये मंदिर जटेश्वर मंदिर आकर के घूम करके दर्शन करके जाइए। बड़बिल से 7-8 किलोमीटर का जंगल के अंदर में पड़ता है ये जटेश्वर मंदिर है। किसी को भी पूछेंगे तो कोई बता देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे और मेरा चैनल को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं ऐसे ही से वीडियो आपके सामने में लाता रहूँगा।